रॉबरी इज एन एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, राइट? ये आपको पता है, रॉबरी इज एन एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, वेयर एज डकैती इज एन एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ रॉबरी, वेयर एज डकैती इज एन एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ रॉबरी व्हेन पर्सन टेकिंग पार्ट देयर इन, वेयर एज डकैती इज एन एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ रॉबरी वेयर इन दे आर फाइव और मोर, है ना? व्हेन पर्सन टेक पार्ट वेयर इन आर फाइव और मोर, पांच या पांच से ज्यादा लोग अगर अगर उसमें हिस्सा लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डकैती बोलते हैं। तो अगर हम लोग सिंपल भाषा में बात करें तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि डकैती इज रॉबरी कमिटेड बाई फाइव और मोर पर्सन। नाउ प्रिलिम्स पे सवाल कैसे बनेगा, सेक्शन 391 को लेके ये हमको जानना है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस हम आगे चल के देखते हैं, 402 को हम लोगों ने देखा है, 399 को देखा है ना? सारे सेक्शन हम लोगों ने, पनिशमेंट के सेक्शन हम लोगों ने, कल भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था डकैती को लेके। पर अगर आप ध्यान पूर्वक अगर आप वापस से अगर आप सेक्शन को देखते हो, ठीक है, सेक्शन मतलब सेक्शन 391 को अगर आप देखते हो तो उससे क्या क्या बातें निकल के आ रही है कि पर्सन कंज्वाइंटली कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट और कंज्वाइंटली कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट एंड पर्सन प्रेजेंट एंड एडिंग सच कमीशन और अटेम्प्ट एवरी पर्सन, ध्यान से अब, सो कमिटिंग अटेम्प्टिंग और एडिंग इज सेड टू कमिट डकैती। अब यहां पे आपको एक शब्द अलग लग रहा है थोड़ा सा, कमीशन या अटेम्प्ट में ज्यादा कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं है। तीसरा जो शब्द यूज किया गया वो क्या है, एडिंग। अब ये जो एडिंग है ये शब्द कहां से निकल कर आ गया अगर मैं आपसे पूछूं तो, क्योंकि आप ध्यान से देखो ऊपर भी लिखा हुआ है पर्सन प्रेजेंट एंड एडिंग, पर्सन प्रेजेंट एंड एडिंग, है ना? तो मियर प्रेजेंस एट द सीन ऑफ अ क्राइम डज नॉट मेक यू कल्पेबल अंडर दिस एम्बिट, यू मस्ट हैव टू एड समथिंग। आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ आप क्या कर रहे हो, उसको सहायता प्रदान कर रहे हो। तो एक बात को आप लिख लीजिए यहां पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सवाल प्रिलिम्स पे ऐसे ही बन जाता है कि अबेटर हु आर प्रेजेंट, अबेटर हु आर प्रेजेंट एंड एडिंग, अबेटर हु आर प्रेजेंट एंड एडिंग व्हेन द क्राइम इज कमिटेड, अबेटर हु आर प्रेजेंट एंड एडिंग व्हेन द क्राइम इज कमिटेड आर काउंटेड इन द नंबर, आर काउंटेड मतलब उसकी भी गिनती की जाएगी फॉर द प्रॉपर रिक्वायर्ड नंबर। जैसे मान लो सपोज कि चार दोस्त जा रहे हैं, ठीक है, क्या करने के लिए, डकैती करने के लिए, वो एक्सपर्ट हैं करने में, ठीक है, उनको हायर किया गया एक व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। अब वो व्यक्ति उसको बता रहा है कि मुझे पता है कि तुम अगर इस रास्ते से घर में प्रवेश करोगे तो तुम आसानी से उसके यहाँ क्या कर सकते हो, डाका डाल सकते हो, ठीक है, डकैती कर सकते हो, ठीक है। तो जो जो पांचवा व्यक्ति है वो डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, पर वो क्या कर रहा है, वो चार व्यक्तियों को पहले उसने हायर करा, राइट? अबेटमेंट का कंसेप्ट ही ये होता है, वन पर्सन आस्क अदर पर्सन टू डू समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ ऑफेंस। इन दैट केस जब उसने किसी व्यक्ति को कहा तो उसी स्टेज पे उसको हम लोग क्या करते हैं, पनिशेबल करवा देते हैं। ये शायद आप लोग को पता ही होगा, अबेटमेंट का कंसेप्ट यही कहता है, वी डोंट हैव टू गो इनटू द कि ऑफेंस कमीशन हुआ या नहीं हुआ, उससे में कोई फर्क नहीं है, आपने उसको अबेट किया या नहीं किया, है ना? बाद में चल के हम लोग देखते हैं सेक्शन 116, 115, 117 में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि अगर ऑफेंस नहीं होगा उस केस में कितना पनिशमेंट होगा, तो ये भी बात लिखी गई है।
तो यहाँ पे जो चीजें जानने वाली है कि अगर चार व्यक्ति एक्चुअली जो है डकैती कर रहे हैं और पांचवा व्यक्ति जो है केवल और केवल उसको रास्ता बता रहा है, तो क्या उस व्यक्ति को भी यहाँ पर एज एन अबेटर जो है क्या उसको रख के क्या इसको ऑफेंस जो है वो डकैती का बनवाया जा सकता है या नहीं बनवाया जा सकता है? तो लॉ कहता है कि हाँ उसको भी बनवाया जा सकता है अगर वो व्यक्ति जो है प्रेजेंट है और वो वहां पे क्या कर रहा है, एड कर रहा है, सहायता प्रदान कर रहा है, ठीक है, ऑफेंस को होने में, टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ द। इज इट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? तो मैंने ये भी आपको क्या लिखवाया, मैंने आपको लिखवाया कि अबेटर हु आर प्रेजेंट एंड एडिंग व्हेन द क्राइम इज कमिटेड आर काउंटेड इन द नंबर, राइट। और आपको एक बात तो आपको ध्यान हो ही गया होगा, द नंबर ऑफ पर्सन कंसर्न इन द रॉबरी मस्ट नॉट बी लेस देन 5, अदरवाइज इट डज नॉट बिकम्स डकैती। तो 5 से कम जो है वो नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नाउ वी हैव टू बी फोकस अपॉन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ डकैती। नाउ द फर्स्ट एसेंशियल ऑफ डकैती इज दैट यू गाइज मस्ट बी फेमिलियर अबाउट दिस थिंग, ओके, कि डकैती जो हो रहा है वो भी थेफ्ट या फिर एक्सॉर्शन से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि रॉबरी को होने के लिए थेफ्ट या एक्सॉर्शन होना पड़ेगा और डकैती को होने के लिए भी क्या होना पड़ेगा, थेफ्ट या एक्सॉर्शन ही होना पड़ेगा। ये अदर बात है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पर्सन है वो कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। पहली बात लिखिए आप, द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डकैती इज, फर्स्ट वन, पहला लिखिए, द थेफ्ट शुड बी परपिट्रेटेड, द थेफ्ट शुड बी परपिट्रेटेड बाई मीन्स ऑफ एक्चुअल वायलेंस और ऑफ थ्रेटन वायलेंस। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, द थेफ्ट शुड बी परपिट्रेटेड बाई एक्चुअल वायलेंस और ऑफ थ्रेटन वायलेंस। अब एक्चुअल वायलेंस हो गया, वहां पे तो कोई किसी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को, नहीं, वाइल कमिटिंग थेफ्ट देयर इज एक्चुअल वायलेंस कॉज टू सच पर्सन बाई हाउ मेनी पर्सन, 5 पर्सन और मोर देन 5 पर्सन, इट बिकम्स डकैती। थ्रेटन वायलेंस की बात करते हैं, थ्रेटन वायलेंस, हाउ विल यू कम टू नो दैट देयर इज ए थ्रेटन्ड वायलेंस? कैसे पता करोगे आप कि वायलेंस जो है वो थ्रेटनिंग था? कैसे पता करो? रॉबरी में उसको कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहां पे 5 लोग नहीं होते हैं, पर यहां पे 5 लोग तो मिनिमम होने चाहिए। सो द थ्रेटन्ड वायलेंस मे बी इंप्लाई बाय द कंडक्ट ऑफ द मॉब, है कि नहीं? दिस इज एन इंप्लाइड कंडक्ट ना, इट कम वेरी अक्रॉस फ्रॉम योर कैरेक्टर, वाई आर यू कमिंग? सो दिस थ्रेटन्ड वायलेंस मे बी इंप्लाई बाय द कंडक्ट एंड कैरेक्टर ऑफ द मॉब, राइट। एनी कंफ्यूजन? बताइए, कोई समस्या किसी को? द सेकेंड इंस्टेंस वॉज द सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डकैती इज देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ 5 or more persons विच वी ऑलरेडी हैव डिस्कस अर्लियर ऑल्सो, राइट। नाउ देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर, हाउ दिस रॉबरी और वी कैन से डकैती इज डिफरेंट फ्रॉम दिस
सेक्शन 34 प्रिंसिपल और वी कैन से अनदर प्रिंसिपल। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अनलॉफुल असेंबली की बात करते हैं, ठीक है। अनलॉफुल असेंबली बनता ही है किस चीज को लेके, एक कॉमन ऑब्जेक्ट को लेके, है कि नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बात करें तो जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। उसमें अगर हम जब कभी भी बात करते हैं जॉइंट या कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी की, तो वहां पे हम तीन मेजर सेक्शन का डिस्कस करते हैं, या तो सेक्शन 34 को देखते हैं, या तो सेक्शन 149 को देखते हैं, या तो सेक्शन 120 कैपिटल ए को देखते हैं। इन तीनों सेक्शंस का यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम क्या कर सके, पर्सन को ज्वाइंटली लायबल कर सके, है ना। अब जैसे कि बात करें, कोई भी एक ऑफेंस हो रहा है, ठीक है, वहां पे जो पर्सन है वो एक से ज्यादा है, स्वाभाविक सी बात है सारे पर्सन का ट्रायल जो है वो क्या होगा, ज्वाइंटली होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एफआईआर से ये बात निकल के आ रही है कि सारे पर्सन जो है वो एक जगह पे इन्वॉल्व थे, ठीक है। अब ये बात हो सकता है हालांकि कि एफआईआर भी बात का मेंशन भी कर दिया गया हो कि किस व्यक्ति ने विक्टिम को या तो जान से मारा या तो घायल कर दिया, ठीक बात है। दूसरी बात, कुछ व्यक्ति वहां पर उन्होंने भी उसको थप्पड़ मारे, कुछ व्यक्तियों ने क्या किया, भीड़ को रोक रखा था ताकि कोई भीड़ जो है वो बचा ना सके उस व्यक्ति को, तो इस तरह का इंसिडेंस हमें देखने को मिलता है। बहुत सिंपल सी बात है। अब इस इंसिडेंस पे अगर हम बात करें तो हमारे पास दो ही सेक्शन हमें देखने को मिलते हैं जनरल तौर पे, या तो 34 या तो 149। 130 अगर हम 34 की बात करते हैं, सेक्शन 34 क्या कहता है कि जो भी व्यक्ति वहां पे मौजूद है, लॉ ये मान के चलता है कि सारे व्यक्तियों ने एक जैसा ही ऑफेंस किया है, और एक जैसा ऑफेंस किया है मतलब हम लोग फोकस करते हैं एक्टस रियस के ऊपर, है ना। मतलब एक्टस रियस का मतलब क्या होता है, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाई लॉ और विच इज फॉरबिडन बाई लॉ, ठीक बात है। मतलब ये नहीं है कि आप सोच के क्या आए थे, इससे फर्क नहीं पड़ता है, अभी जो हुआ है उस बेसिस पे क्या किया जा रहा है, आप सब लोगों को लाइबल किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 34। और इसी बात पे कॉमन इंटेंशन जो है वो क्या हो रहा है, कॉमन ऑब्जेक्ट से डिफर कर रहा है, अलग हो जा रहा है, है कि नहीं। क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट तो पहले से असर्टेन है कि हमें क्या करना है, और वहां जाके भी क्या हो रहा है, कोई एक व्यक्ति ही कुछ कर रहा है। ये अलग बात है कि 149 में ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने किया है ऑफेंस को, पर बाकी जितने भी लोग उस अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा थे, ऑल ऑफ देम आर कंस्ट्रक्टिवली लाइबल, बट अगर उनका ऑब्जेक्ट वही था तब तो वो आर ऑल ऑफ देम आर कंस्ट्रक्टिवली लाइबल, पर अगर उनका ऑब्जेक्ट वो नहीं था तब तो All of them are not constructively liable. Only those person are liable who is directly involved in that particular offense. Okay. ठीक उसी तरह से जब आप ध्यान से आप यहां पे दगोइती का कंसेप्ट समझिएगा, तो यहां पे इंस्टेंस है कि एक्यूज बनाया गया था कितने रॉबर्ट्स को, 6 रॉबर्ट्स को, या मान लेते हैं 10 रॉबर्ट्स को, पर जो ट्रायल के समय में क्या हुआ, उसमें से या तो 7 या तो 3 लोग जो है वो क्या हुए, एक्विटल हो गए। अगर मैंने 6 का उदाहरण दिया तो उसके हिसाब से 3 लोग का एक्विटल हो गया, और अगर मैंने 10 का एग्जांपल दिया तो उसमें से मान लीजिए 7 लोगों का एक्विटल हो गया या फिर 6 लोगों का एक्विटल हो गया। तो अब ये प्रश्न बनता है कि बाकी जो एक्यूज हैं वो कौन से सेक्शन के बेसिस पे जो है यहाँ पे कन्विक्टेड होंगे, कौन से सेक्शन के बेसिस पे क्या होंगे इनका कन्विक्शन होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्यूजेशन लगा 6 लोगों के ऊपर,
तीन लोगों का एक्विटल हो गया ट्रायल के समय। अलग अलग तरह की प्रक्रिया है, आप ध्यान से पढ़ोगे सेक्शन, जब आप सीआरपीसी पढ़ोगे तो देखोगे कि डिस्चार्ज कैसे कैसे होता है ना। कभी कभी डिस्चार्ज को एक्विटल ही मान लिया जाता है, तो तरीका है वो सब, अभी मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। और कभी कभी ये भी कहा गया कि डिस्चार्ज इज नॉट मीन्स एक्विटल, ये भी कहा गया है। खैर, तो मान लेते हैं कि जो मैंने आपको उदाहरण दिया, वहां पे अगर 6 रॉबर्ट थे और तीन लोगों का एक्विटल हो गया, तो बाकी जो 3 रॉबर्ट बचे हुए हैं उनका पनिशमेंट जो है वो 395 में लगेगा या 392 में लगेगा? बताइए, सवाल तो समझ में आ गया ना। 6 रॉबर्ट के अगेंस्ट जो है वो एफआईआर लॉज करवाया गया, ट्रायल के समय में क्या हुआ, 3 लोगों का एक्विटल हो गया, ठीक है, मतलब 3 लोगों के अगेंस्ट जो है एविडेंस नहीं मिल पाई। बात समझ में आया कि नहीं आया? एविडेंस मतलब इन जनरल एफआईआर शो दैट देयर वेयर 6 रॉबर्ट बट एट द ट्रायल 3 वेयर एक्विटेड। ना तो क्वेश्चन इज कि जो बाकी जो बचे हुए रॉबर हैं उनका कन्विक्शन जो है वो कौन से सेक्शन के बेसिस पे लगेगा, 392 पे लगेगा या 395 पे लगेगा? बाकी लोगों को इतना समय क्यों लग रहा है बोलने में, पढ़े तो हो नहीं एक को छोड़ के। इस तरह के अलग अलग तरह के उदाहरण है, कभी अगर मैं आपसे बात पूछूं तो अभी जैसा कि रिचा ने बताया कि सेक्शन 392 के बेसिस पे क्या होगा, कन्विक्शन होगा। अभी आप अगर आप ध्यान से सेक्शन 395 को देखते हो तो वो क्या कहता है, सेक्शन 395 के बेसिस पर रिचा क्यों नहीं लगेगा, सेक्शन 392 के बेसिस पर क्यों लगेगा, बताओ बाबू। चलो तो लिख लो एक और बात, एक और सेंटेंस जो वही प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 395 रिक्वायर्स ओनली द पार्टिसिपेशन, सेक्शन 395 रिक्वायर्ड ओनली द पार्टिसिपेशन, लिख लिया, सेक्शन 395 रिक्वायर्स ओनली द पार्टिसिपेशन and not the conviction of more than 5%. It only requires the participation. It does not talk about conviction. If you participate, then you will punish. If you not participate, how will you punish? Am I clear? Any confusion? अगर आप भाग लोगे, आपके against भाग लेने का मतलब participate करोगे, तो आपके against तो evidence ही नहीं है ना, आपका तो acquittal हो रहा है 6 में से 3 लोगों का, तो 3 लोगों के लिए 395 नहीं बना है ना, 395 बना है 5 लोगों के लिए। तो इस बात को भी आप स्पेसिफिकली लिख लीजिए, सेक्शन 395 रिक्वायर्स ओनली द पार्टिसिपेशन एंड नॉट द कन्विक्शन ऑफ मोर देन 5%, राइट, हो गया। तीसरे एसेंशियल एलिमेंट्स को लिखिए, वो क्या है आपका, conjointly commit or attempt to commit a robbery, robbery लिखा है कि या डकैती लिखा है, conjointly commit or attempt to commit a robbery, ये लिखा हुआ है section 391।
सो इन जनरल सेंस क्या कहता है ये वाला हिस्सा, इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि एनी पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ दकोइती अनलेस ही हैज कमिटेड, अटेम्प्टेड टू कमिट और एडेड इन कमिटिंग रॉबरी। नाउ द वर्ड कंज्वाइंटली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। द वर्ड कंज्वाइंटली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द लाइबिलिटी ऑफ पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस ऑफ द दकोइती। Right, this conjointly word is very, very important because it talks about the liability of a person who is accused of an offense of dacoity. For instance, it is very much clear that in this particular section, common intention is not used, and you must have to be very much clear that. और आपको लिखना हो तो आप लिख भी सकते हो कि common intention is no part of dacoity. लिख सकते हो इस बात को, कॉमन इंटेंशन जो है वो दकोइती का हिस्सा नहीं है। कॉमन इंटेंशन इज नो पार्ट ऑफ दकोइती, बट द वर्ड कंज्वाइंटली यूज इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, बट द वर्ड कंज्वाइंटली यूज इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन रेफर टू यूनाइटेड और कंसर्टेड एक्शन। It refers to united or concerted action of the person, concerted action of the person participating in the transaction. Participating in the transaction. Participating in the transaction. लिख लिया सब लोगों ने, participating in the transaction. So first of all, to understand this concept, जैसे मैंने आपको पहले ही बता ही दिया है कि mere presence of the accused amongst the robber is not sufficient for accusation of robbery or you can say dacoity. Mere presence is not sufficient. You must have to be actively aid, participate, must help those robbers. केवल आपका प्रेजेंस है उससे काम नहीं चलेगा। सो यू मस्ट हैव टू बी सोन दैट, यू मस्ट हैव टू बी सोन दैट ऑल द एक्यूज हैव कंजॉइंटली कमिटेड रॉबरी और एडेड सच कमिशन। यू मस्ट हैव टू बी सोन दैट, आपको यह दर्शाना पड़ेगा कि दे हैव कंजॉइंटली कमिटेड रॉबरी और aided in such commission of robbery. जैसे उदाहरण तौर पे शायद मैंने आपको conjointly को लेके कुछ ना कुछ तो पढ़ाया होगा पहले भी, कभी कुछ नहीं पढ़ाया, कुछ पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? लो ना, नहीं पढ़ाया? मेरी आवाज तो आ रही है बराबर? कंजॉइंटली सर आपको ध्यान होगा, कंस्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी को समझाने के लिए सबसे पहला सेक्शन मैंने कौन सा लिया था?
कॉन्स्पिरेसी जो मैं आपको पढ़ाया उसमें मैंने सबसे पहला सेक्शन क्या लिया था पढ़ाने के लिए, 120 कैपिटल ए को पढ़ाने के लिए सबसे पहला सेक्शन क्या लिया था मैंने, नहीं ध्यान है? हाँ क्या रिचा, तुमको भी ध्यान नहीं है? कंस्पिरेसी को पढ़ाने के लिए सबसे पहला सेक्शन कौन सा लिया था? क्या लिखा हुआ है 37 में? हाँ क्या लिखा हुआ है, क्या बात करता है, क्या बात करता है? को पार्टनर का, को पार्टनर क्या होता है? सेक्शन 37 में को क्या बात करता है? अगर आप ध्यान से अगर आप कोऑपरेशन को देखते हो, ठीक है, कोऑपरेशन आपका डिफर करता है किससे? कॉमन इंटेंशन से, तभी तो अलग अलग सेक्शन में दिया गया है कि नहीं? एक इंसान दूसरे इंसान को क्या कर रहा है, किसी भी ऑफेंस को करने के लिए कोऑपरेट कर रहा है। अगर आप ध्यान से अगर आप सेक्शन 37 को पढ़ते हो तो वहां लिखा हुआ भी है कि इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट, इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट, नाउ इट यूजेज द टर्म व्हाट, हूएवर। So in general law simply say that if an offense is committed by means of several act by several person, by means of several act by several person who intentionally cooperate in the commission of that particular offense by doing any one of those act which is required for the commission of that particular offense, either singly or jointly with any other person, law in general simply say that that particular person have committed that offense. Now the question is, what is it talking about that offense? क्या होगा? उसने कोई भी act किया जिस act से उस व्यक्ति की हो सकती है हत्या हो सकती है, और उसने उस act को लेके कोई भी act कर लिया, जैसे murder के लिए उसने क्या किया, मान लो उसने चाकू लाके रख दिया, ठीक है, मान लो कि उसने जो है घर बंद करके रख दिया। अब मुझे बताओ, घर बंद करके रखना और किसी व्यक्ति को मर्डर के लिए लायबल करना क्योंकि उस व्यक्ति ने घर बंद करके रख दिया है, कहीं से भी आपको जस्टिसिएबल लग रहा है? नहीं। पर फिर भी सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, अगर हम कोऑपरेशन की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, उस पर्सन को भी आप लायबल कर सकते हो, क्योंकि लॉ में ये कहीं लिखा हुआ है, वो कह रहा है एनी वन ऑफ दोज एक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट टॉक्स अबाउट व्हाट, कि इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट एंड वन पर्सन हैव डन एनी वन ऑफ दोज एक्ट ईदर सिंगल और जॉइंट विथ अदर पर्सन, लॉ इन जनरल सिंपली से दैट ही दैट पर्सन ऑल्सो कमिट्स दैट ऑफेंस। एम आई क्लियर? क्लियर? ये वाला इंस्टेंस क्लियर हुआ? अब इसी इंस्टेंस को आप दकोटी के साथ समझो। मैंने आपको पहली बात बताई कि मियर प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज पर्सन इज नॉट सफिशियंट, मियर प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज पर्सन अमंग द रॉबरर इज ऑल्सो नॉट सफिशियंट अनलेस एंड अंटिल सच पर्सन कमिट्स रॉबरी और एडेड सच कमिशन। So that particular person have to facilitate
assist or aid in the dacoity. So in general, you have to be now understood that the innocent bystander cannot be duped as dacoit. क्योंकि क्या होता है जब पुलिस आती है वहां पे कुछ व्यक्तियों को खरा पाती है वो उनको ही पकड़ के ले जाती है. सो देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन मस्ट बी परफॉर्म बाय दैट पर्सन. तो ऐसे ही बहुत सारे क्लिशेस हैं, राइट. तो आई होप यू हैव टू बी नाउ अंडरस्टूड कि कंजॉइंटली का मतलब क्या होता है कि नहीं. क्या मतलब होता है कंजॉइंटली का मतलब क्या होता है? United or concerted action of the person who is participating in that particular transaction. This is the actual meaning of conjointly. ठीक है. और conjointly word का use केवल और केवल section कहां किया गया है? 391 में या फिर section 396. इसको छोड़ के IPC में conjointly word का use कहीं नहीं किया. ठीक है. अब तीन कितने तीन लिखवा दिए ना एसेंशियल एलिमेंट्स. कितने लिखवाए? चौथा लिखिए कि डकैती इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन. डकैती इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन. Suppose if no property is carried off, अगर कोई प्रॉपर्टी जो है जिसके लिए ये लोग डकैती करने के लिए आ रहे थे वो ये नहीं ले जा सके. If no property is carried off, question is there a dacoity? क्या रिचा तुम्हारे घर पे लोग आए डकैती करने के लिए पर वो तुम्हारे घर से कोई भी सामान ले नहीं जा पाए. Can we say that such person is liable under section 395? Yes, sir. Please read section 395. Section 395 में आपको punishment कैसे मिल रहा है? 391 भूल जाओ. 391 में सारी चीजों को डकैती बना दिया गया है. पर 395 में जो punishment मिल रहा है क्या वो attempt की basis पे या वो aiding के basis पे मिल रहा है क्या? मिल रहा है क्या? 395 में क्या लिखा हुआ है कि हु एवर कमिट डकैती. यहां तो डकैती कमिट नहीं हुआ ना. इफ नो प्रॉपर्टी इज कैरिड ऑफ देयर इज नो डकैती. लिख लीजिए इस बात को. इफ नो प्रॉपर्टी इज कैरिड ऑफ देयर इज नो डकैती. बट इट इज एन ऑफेंस अंडर Which section? 402. क्या कहता है 402? Assembling for the purpose of committing dacoity. Assembling for the purpose of committing dacoity. Whoever, at the time after the passing of this act, shall be one of five or more person assembled for the purpose of committing dacoity. Shall be punished with a rigorous imprisonment which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. If no property is carried off, then decision offense only under section 402. Am I clear? Now the fourth essential element is dacoity with murder. Now again, if you read section 396, I already told you na, ki conjointly word ka use keval aur keval do hi jagah kiya gaya hai. Kahan kahan kiya gaya hai? 191 में और दूसरा
396 में। अभी अगर आप ध्यान से देखते हो लिखा क्या हुआ है 396 में, इफ एनी वन ऑफ फाइव और मोर पर्सन, इफ एनी वन ऑफ फाइव और मोर पर्सन हु आर कंजॉइंटली कमिटिंग डकैती कमिट्स मर्डर इन सो कमिटिंग डकैती। देखो ध्यान से, एवरी वन ऑफ दोज पर्सन शैल बी पनिश्ड विद डेथ, इम्प्रिजन फॉर लाइफ और रिगरस इम्प्रिजन फॉर अ टर्म व्हिच मेक्स सेंस टू 10 इयर्स शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। इट मींस firstly it talks about that the murder is done by how many person, anyone, na? Law in general not say that everyone is committing so and so offense. Law in general simply say that what, anyone is committing dacoity commits murder in so committing dacoity, ya fir aap aise bhi likh sakte ho anyone commits murder in committing dacoity, every one of those person shall be punished with इक्वल पनिशमेंट। सो इस बात को, द ऑब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, द ऑब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेचर सीम्स टू बी दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ of legislature seems to be that the penalty of death or imprisonment for life seems to be that the penalty of death or imprisonment for life or imprisonment for life may be inflicted on a person, may be inflicted on a person, may be inflicted on a person convicted of, may be inflicted on a person convicted of taking part in a dacoity, taking part in a dacoity in the course of which, in the course of which a murder is committed, in the course of which a murder is committed, even though a murder is committed, even though there is nothing to show that, even though there is nothing to show that he himself committed the murder, even though there is nothing to show that he himself committed the murder or that he abetted it, there is no requirement of law that you have to prove that, हाँ, कि उसने उसको बोला तब जाके उसने, एक व्यक्ति ने उसमें से मारा इस वजह से सब लोगों को लाइबल करना है, ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। या फिर आपको ये भी नहीं बताने की जरूरत है कि जिस व्यक्ति को आप लाइबल कर रहे हैं उसने पर्सनली जो है उसने कमिट किया है, ये भी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इन जनरल आप आगे यहां तक लिख लिया आप लोगों ने, इवन दो देयर इज नथिंग टू शो दैट ही हिमसेल्फ कमिटेड अ मर्डर और दैट ही अबेटेड इट। सो इन जनरल 396 डिक्लेयर्स दैट द लाइबिलिटी इज को एक्सटेंसिव विथ दैट ऑफ द एक्चुअल मर्डरर। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट जो मैं आपको लिखवाया। सेक्शन 396 डिक्लेयर्स दैट द लाइबिलिटी ऑफ अदर पर्सन, सेक्शन 396 डिक्लेयर्स दैट द लाइबिलिटी ऑफ अदर पर्सन इज को एक्सटेंसिव, द लाइबिलिटी ऑफ अदर पर्सन इज व्हाट, को एक्सटेंसिव विथ दैट ऑफ द एक्चुअल मर्डर। बट फॉर दिस, अब ये जो आपको दिखाना है कि अदर पर्सन की लाइबिलिटी जो है वो क्या है, समान है उसके साथ ही है जो एक्चुअल मर्डर है उसके साथ ही है। अब इस बात को आप कैसे दर्शाओ, जैसे फॉर इंस्टेंस 396 का एक ऑफेंस बना, राइट, समझ में आ गया आपको, 396 का ऑफेंस हुआ, प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस करने के लिए बंदा गया है और उसने वहां पर जाकर क्या किया है, किसी व्यक्ति का की हत्या कर दी है, वो भी सबसे बड़ी हत्या की बात की जा रही है, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑफेंस मर्डर, जिसका दो ही सजा है, या तो कैपिटल पनिशमेंट या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट।
तीसरा कोई इंस्टेंस नहीं है वहां पर। मर्डर के लिए तीसरा कोई पनिशमेंट है क्या? दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो कैपिटल सेंटेंस या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट, तीसरा कोई इंस्टेंस नहीं है। तो पर्सन उस ऑफेंस को करने के लिए गया और उसने कोई और ऑफेंस कर किया क्या? तो देखो ना, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी का भी सबसे बड़ा ऑफेंस और ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी का भी सबसे बड़ा ऑफेंस, दोनों ऑफेंस एक साथ है ना। दोनों ऑफेंस जब एक साथ है, वहां पे लॉ ये कह रहा है कि द लाइबिलिटी ऑफ अदर पर्सन इज को एक्सटेंसिव विथ दैट ऑफ द एक्चुअल मर्डरर। जो एक्चुअल मर्डरर है उसके साथ इसकी लाइबिलिटी जो है वो क्या होगी? एक को एक्सटेंसिव। अभी जो को एक्सटेंसिव, क्योंकि आप तो अब अदर पर्सन के ऊपर आप अदर पर्सन को भी आप क्या कर रहे हो, उस मर्डर के लिए क्या कर रहे हो, लाइबल कर रहे हो। मतलब लॉ की प्रिंसिपल तो यही है ना, उसका तर्क तो यही है। अब उस चीज को प्रूफ करवाने के लिए फर्स्टली व्हाट यू हैव टू बी प्रूफ, यू हैव टू बी सिंपली प्रूफ दैट दे शुड हैव कंजॉइंटली कमिटिंग द दुकोइटी। दिस शुड हैव फर्स्टली व्हाट यू हैव टू प्रूव इज दैट दे शुड हैव बीन कंजॉइंटली कमिटिंग द दुकोइटी। First thing, what you have to show that, what is required by law? जैसे आपने instance लिख लिया ना कि the liability of other person is co-extensive with that of the actual murderer, right? ये principle है, इसी principle से section 396 work कर रहा है। अब इस principle को आप कैसे prove करवाओगे? So firstly, you have to prove that they should have been conjointly committing the dacoity. First thing, and the second thing is that any death caused by a dacoit in the course of dacoity would be murder, and is attributed to all of them. Right, लिख लिया आप लोगों ने? नहीं लिखा? बोलो ना भाई, लिखा कि नहीं लिखा? एकदम बेकार हो। नहीं, छोड़ो, नहीं लिखा तो समझ लिया ना। These are the instances of dacoity. You have to be very particular about that. Okay? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि the death एक person का हो जा रहा है, right? आपको ये proof करने की जरूरत नहीं है कि death is to be proved by this person only, है ना? तो हम लोगों को छोड़ दिया जाए, there is no requirement. The law in general simply say that the death need not be proved against any one of the dacoit. The death need not be proved against any one of the dacoit. We have to focus upon the result of cumulative effect of the violence used by the gang. We have to focus upon the result of cumulative effect of the violence used by the gang. We have to focus only upon the result of cumulative effect of the violence used by the gang. Nothing else. वो हुआ तो सारे लोग क्या होंगे वहां पर? लाइबल होंगे, अदरवाइज लाइबल नहीं होंगे। Is it clear? और मैंने आपको ऑलरेडी ये बता ही दिया है
कि डकैती इज द ओनली ऑफेंस विच हैज मेड पनिशेबल एट ऑल द स्टेज राइट. द फर्स्ट वन इज बेस्ट एग्जाम्पल इज असेंबलिंग फॉर द पर्पज ऑफ कमिटिंग अ डकैती पनिशेबल इन द सेक्शन 402 फर्स्ट इंस्टेंस. द सेकेंड इंस्टेंस इज मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती making preparation to commit dacoity punishable under section 399 hai na making preparation to commit dacoity whoever makes any preparation for committing dacoity shall be punished with a rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. Right, attempt provision section 398. If at the time of attempting to commit robbery or dacoity, the offender is armed with any deadly weapon, the imprisonment with which offender shall be punished shall not be less than 7 years. Punishment for belonging to gang of dacoit. Whoever shall belong to a gang of person associated for the purpose of actually committing dacoity shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. So it's a very single offense. कि यहां पे चारों स्टेज में क्या है आपका पनिशमेंट की बात कही जाए चारों स्टेज में ठीक है. अब जो हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो क्या है आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है ट्रस्ट ठीक है. ट्रस्ट तो आप लोगों ने पढ़ा है इंडियन ट्रस्ट एक्ट पढ़ा होगा कुछ. ट्रस्ट क्यों बनता है क्या उसके पीछे का क्या लॉजिक है उसको बनाने का. एक ट्रस्टी बनाते हैं एक बेनिफिशियरी बनाते हैं हाँ? और जिसको बनाते हैं वही क्या करता है उस प्रॉपर्टी को क्या करता है या तो मिस अप्रोप्रिएट कर देता है या फिर वो उसको उस चीज को वो अपने यूज में ले आता है. तो वहां पे उसको हमने बोल क्या बोला कि अगर हमको इसको क्रिमिनली ट्राई करना है क्रिमिनली इसको प्रोसिक्यूट करना है तो हम इसको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का नाम दे देते हैं. जैसे आप जितने भी उदाहरण को पढ़ते हो सारे उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे कि आप सबसे आखिरी उदाहरण पढ़ो इलस्ट्रेशन एफ सेक्शन 405 का क्या लिखा हुआ है. ए अ करियर इज इंटरेस्टेड बाय जेड विथ प्रॉपर्टी टू बी कैरिड बाय लैंड और बाय वाटर. ए डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट द प्रॉपर्टी ए हैज कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट राइट. करियर करियर बॉय जिसको दिया गया प्रॉपर्टी ताकि वो क्या कर सके उसको लैंड या फिर पानी के द्वारा कहीं से भी पहुंचा दे. उसने क्या किया उसको अपने यूज में लिया है तो उसने क्या किया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है ना. इस तरह की बातें लिखी गई है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अभी उदाहरण में देखा कि वर्ड यूज किया गया है डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉपर्टी बाई अ पर्सन इन हुम कॉन्फिडेंस इज प्लेस as to the custody or management of the property in respect of which the breach of trust is charged right. So basically to constitute the offense of CBT criminal breach of trust first of all there must be what dishonest misappropriation of a property by a person. There must be a dishonest misappropriation of a property by a person in whom confidence is placed. किसके द्वारा प्रॉपर्टी जो है वो क्या किया जा रहा है मिसअप्रोप्रिएट किया जा रहा है या फिर कन्वर्ट किया जा रहा है अपने यूज में लाने के लिए उस व्यक्ति के द्वारा जिसको वो प्रॉपर्टी कॉन्फिडेंस में लेकर दी गई है इन whom confidence is placed as to the
कस्टडी और मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। लो ये भी कह रहा है कि उसके पास इस प्रॉपर्टी को क्यों जो है वो इंटरेस्टेड किया गया है, फॉर द कस्टडी और मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर मस्ट बी एन इंटरेस्टमेंट, फर्स्ट वन देयर मस्ट बी वन वन इंटरेस्टमेंट। इंटरेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है, ट्रस्ट होना जरूरी है, बिना ट्रस्ट के क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में चीजें नहीं आ सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर मस्ट बी एन इंटरेस्टमेंट। सेकेंड वन इज व्हाट, देयर मस्ट बी व्हाट मिस अप्रोप्रिएशन और कन्वर्जन टू हिज ओन यूज और यूज इन वायलेशन ऑफ लीगल डायरेक्शन। देयर मस्ट बी मिस अप्रोप्रिएशन और कन्वर्जन टू हिज ओन यूज और टू हिज ओन यूज और यूज इन वायलेशन ऑफ लीगल डायरेक्शन। या तो वो अपने यूज में ले आता है या फिर कोई जो उसको लीगल डायरेक्शन दिया गया उसका वो क्या कर रहा है, वायलेशन कर रहा है। मतलब तो कहा जा रहा है कि आप उसको ऐसे यूज करो पर वो उसको उस वे में यूज नहीं कर रही, किसी और वे में यूज कर रहा है। और ऑफ एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है इन लोगों के बीच में, तो उस बेसिस पे ही उसको क्या करना था, उस चीज को यूज करना था। और जो तीसरा एसेंशियल यहां पे इंग्रेडिएंट है वो क्या है, द मिस अप्रोप्रिएशन और कन्वर्जन और डिस्पोजल, द मिस अप्रोप्रिएशन और कन्वर्जन और डिस्पोजल मस्ट बी विथ अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन। मैंने क्या बोला, द मिस अप्रोप्रिएशन और कन्वर्जन और डिस्पोजल मस्ट बी विथ अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मस्ट बी विथ अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन। सेक्शन को ध्यान से देखोगे, सेक्शन तो बहुत ही लंबा चौड़ा लग रहा है देखने में, बहुत तरह की बातें लिखी गई है, पता नहीं क्या क्या चीजों को लिख दिया गया है। नहीं, सेक्शन क्या कहता है, अगर सेक्शन को एकदम ध्यान से देखना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी फोकस अपॉन कि यहां पे व्यक्ति कर क्या रहा है। तो यहां पे व्यक्ति क्या कर रहा है, डिसऑनेस्टली क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी का मिस अप्रोप्रिएशन या कन्वर्जन कर दे रहा है अपने यूज के, है कि नहीं। देखो ना ध्यान से, 405 में लिखा ही हुआ है कि हु एवर डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट और कन्वर्ट टू हिज ओन यूज दैट प्रॉपर्टी और डिसऑनेस्टली यूजेज और डिस्पोजेज ऑफ दैट प्रॉपर्टी इन वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ prescribing the mode in which such trust is to be discharged or of any legal contract express or imply which he has made touching the discharge of such trust or willfully suffer any other person so to do commit criminal breach of trust। क्या समझ में आया रिचा? ऋचा को समझ में आया?